नमस्कार मित्रों, ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि कुछ प्रश्न आए थे उसके ऊपर कि भाई यूरोप में अरब देश के जो लोग हैं, अरब देश की शुरुआत होती है मोरक्को, अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका है वो पूरा अरब बेल्ट ही माना जाता है। वहाँ पे अधिकतर देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज भी अरब ही है, अरबी। तो मोरक्को, अल्जीरिया और उसके बाद लीबिया, फिर इजिप्ट और फिर आगे अरब देश आते हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई से लेके इराक तक। ईरान है वो अरब कंट्री नहीं है, उसकी भाषा अरबी नहीं है, फारसी है, पर्शियन। तो इतने ये जो देश है वहाँ से बड़ी संख्या में लोग यूरोप में गए हैं और अभी वहाँ पे उसकी वजह से रायट हो रहे हैं। अभी एक ब्रिटिश सैनिक की वहाँ हत्या हो गई। तो एक सवाल आया था कि भाई जो वहाँ की सरकारें हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अलग अलग देश जो है, वो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ के देश के लोगों को क्यों आने देते हैं और अधिकतर वहाँ पे लीगली आए हैं। जैसे फ्रांस में बड़ी संख्या में अल्जीरिया के लोग हैं और वो वीज़ा लेकर लीगली वो फ्रांस में आए हैं। इलीगली भी आए हैं काफ़ी सारे, पर काफ़ी सारे लीगली आए हैं। नेदरलैंड्स और स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, वहाँ भी काफ़ी बड़ी अरब पॉपुलेशन है और वो जो अरब पॉपुलेशन है वहाँ बड़े पैमाने पे रायट कर रहे हैं, गदर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी वो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो अरब कंट्री से लोग गए हैं वहाँ पे रायटिंग कर रहे हैं, क्राइम्स बढ़ गया है। तो फिर उनको आने क्यों दिया? तो वहाँ की जो सरकारें हैं वो जानबूझ के एक झूठा रीज़न देते हैं। वो रीज़न क्या देते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो झूठा है वो भी एक्सप्लेन करूँगा और उनका ओरिजिनल मोटिव क्या है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। उनकी मोटिव यह है कि बड़ी संख्या में यदि अरब लोग आते हैं लंदन में, फ्रांस में, अलग अलग देशों में, अरब के, पाकिस्तान के, और वहाँ पर यदि वहाँ पर भारी मात्रा में हिंसा करते हैं, दंगे करते हैं या तो कत्लेआम करते हैं, तो यूरोप की जो प्रजा है, ब्रिटेन की, फ्रांस की, उसको कन्विंस किया जा सके कि भाई हमें अब अरब देशों पर युद्ध यानी धावा बोल देना चाहिए और उनको दोबारा गुलाम बना देना चाहिए। तो अब ऑफिशियल रीज़न क्या देते हैं? जैसे कि फ्रांस की सरकार है वो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अल्जीरियनों को आने देती है, तो उसका कारण क्या देती है कि भाई हमारे यहाँ फ्रांस में लेबर बहुत महंगा है, लेबर बहुत महंगा है इसलिए अल्जीरिया के लोगों को आने दो। तो ये गलत कारण है। यदि लेबर महंगा है तो ठीक है, घर थोड़ा महंगा हो जाएगा, लोग थोड़े छोटे घर में रहेंगे, जैसे बहुत सारे अल्जीरिया के लोग कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते हैं। तो यदि उन अल्जीरियनों को भगा दिया जाए तो लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर महंगा हो जाएगा तो लोग छोटे घर में रहेंगे, इससे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ने वाला। दूसरा, यदि उनको लेबर चाहिए तो ऐसा लेबर जो कि दंगे फसाद ना करे, मारपीट ना करे, ऐसा लेबर इंडिया में करोड़ों की संख्या में है, चीन में भी करोड़ों की संख्या में है, वियतनाम में है, थाईलैंड में है, फिलीपींस में है, अफ्रीका के बहुत सारे देश है, दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका और जो अफ्रीका में कुछ 40% आबादी क्रिश्चियन है। फिर लैटिन अमेरिका यानी कि मेक्सिको और ब्राज़ील, अलग अलग जो पूरे दक्षिण अमेरिका के देश है, वहाँ पे भी सरप्लस लेबर चाहिए उतना पड़ा है। वो सरप्लस लेबर यदि फ्रांस में आता या लंदन में जाता तो किसी प्रकार की हिंसा की समस्या नहीं होती। हिंसा की समस्या हो रही है उनको वो दो वजह, जो अरब देश है मोरक्को से लेके ईरान, इराक, उनका यूरोप के देशों के साथ पिछले 1500 साल से हिंसात्मक संघर्ष रहा है। आपने इतिहास में क्रूसेड के बारे में पढ़ा होगा, जिहाद, कि जिसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यूरोप के लोग और अरब भिड़ गए थे और लाखों की संख्या में कत्लेआम हुई थी। उसके बाद इटली ने लीबिया पर
कुछ 100-150 साल कब्जा किया था, उसमें लाखों लोगों की हत्याएं की थी। ब्रिटेन ने इजिप्ट पे कब्जा किया था, उसमें लाखों लोगों की हत्याएं हुई थी। फ्रांस ने अल्जीरिया पे कब्जा किया था और अल्जीरिया की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों की हत्या हुई थी। तो इसलिए वहाँ का जो पूरा वो जो पूरा बेल्ट है वो यूरोप के लोगों से नफरत करता है। उसकी वजह यूरोप और अरब देशों का संघर्ष है और फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का संघर्ष वो भी है। तो जाहिर है कि उन लोगों को यदि दोबारा आने देंगे तो उनमें वैसे ही पूरी की सर से पांव तक नफरत भरी है और वो लोग वहाँ पे दंगे फसाद वगैरह करेंगे। उसके बजाय यदि उन्होंने भारत के लोगों को लिया होता तो ये एक हिस्ट्री है कि भारत के लोग जहाँ भी गए हैं या तो वो वापस आ जाते हैं यदि उन्हें अच्छा नहीं लगता तो, या तो वो रुक जाते हैं, लेकिन हिंसा की वारदातें नहीं होती। जितने इंडियंस अमेरिका में है, फिर वो क्वींस में हो या न्यूयॉर्क में हो या कैलिफोर्निया में हो, उनमें क्राइम रेट वहाँ के जो गोरे अमेरिकन है उससे भी कम है। ऑस्ट्रेलिया में जितने इंडियन हैं उनमें भी क्राइम रेट कम है। तो यदि उनको सिर्फ लेबर ही चाहिए था, फ्रांस के लोगों को, ब्रिटेन के लोगों को, नीदरलैंड्स, हॉलैंड, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, उनको यदि सिर्फ लेबर की ज़रूरत थी तो इंडिया से चाहिए उतना अनस्किल्ड लेबर ले जा सकते थे। इसी तरह से थाईलैंड का लेबर है, वो भी जहाँ जाके यहाँ कई हिंसा की वारदातें बहुत कम हुई है। अफ्रीका का लेबर है, उसमें भी क्रिमिनलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। और जबकि अरब कंट्री है वहाँ पे हिस्ट्री रही है क्रिमिनलिटी की और उनके यूरोप से लोगों से नफरत की, तो उन्होंने जानबूझ के लाखों की संख्या में उन्होंने, यानी ब्रिटेन की जो इलीट है, ब्रिटेन का जो अग्रवर्ग है, वो चाहता है कि ब्रिटेन के जो वहाँ की लोकल स्थानिक क्रिश्चियन गोरी प्रजा है उसमें दुनिया के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ बड़ी मात्रा में उनके दिमाग में हिंसा पैदा हो, नफरत की भावना पैदा हो। इसलिए उन्होंने लाखों की संख्या में पाकिस्तान के लोगों को और अरब कंट्री के लोगों को आने दिया। अब वहाँ पे वो अरब कंट्री के लोग और पाकिस्तान के लोग भारी मात्रा में हिंसा कर रहे हैं, और हिंसा कर रहे हैं इसलिए जो ब्रिटेन की, फ्रांस की जो श्वेत और क्रिश्चियन प्रजा है उसमें नफरत की भावना बढ़ रही है। और इससे इन देशों की सरकार को मिडल ईस्ट के कंट्री, मिडल ईस्ट के देशों पर जब हमला करना होगा उनका तेल लूटने के लिए, अब आसानी मिलेगी। एक लेजिटिमेसी का कारण मिल गया। वो कारण क्यों जरूरी था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ यूरोप में रूस को मिला के कुछ 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे। शायद कुछ लोग 5 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग 6 करोड़ भी कहते हैं, पर मिनिमम 4 करोड़ लोग मर गए थे। उस समय के यूरोप की करीब करीब 7 से 10% आबादी युद्ध में मर गई थी, घायल हुए थे वो अलग, बड़ी संख्या में लोग, इतनी ही संख्या में लोग घायल भी हुए थे, और अधिकतर लोग यंग एडल्ट पॉपुलेशन में थे, मतलब 16-17 साल से लेके 40-45 साल तक की उम्र के थे जिनकी हत्याएं हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इसलिए उस प्रजा को दोबारा युद्ध के लिए कन्विंस करना मुश्किल काम है। और ऐसी परिस्थिति में यदि लाखों अरब यूरोप में आके बड़े पैमाने पे दंगे करते हैं, हिंसा करती है, तो युद्ध के लिए कन्विंस करना आसान हो गया। जैसे कि अभी ब्रिटेन में जो घटना, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी वो घटना, लेकिन वहाँ किसी अरब ने, या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन से कंट्री से है वो, उसने एक ब्रिटेन के सैनिक की हत्या कर दी गला काट के या किसी तरह से, और उसकी वजह से ब्रिटेन की पब्लिक में अरबों के खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी तरह से फ्रांस में दंगे हुए थे, ये कुछ 1 साल पुरानी बात है, फ्रांस में दंगे हुए थे और पुलिस ने जानबूझ के दंगे काफ़ी दिनों तक चलने दिए, बड़ी संख्या में गाड़ियाँ जल गई, घरों के आसपास तोड़फोड़ हुई, बाग बगीचे उजड़ गए। तो इसकी वजह से फ्रांस की जो श्वेत गोरी प्रजा है उसमें अल्जीरियनों के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई। तो अब
जो फ्रांस की सरकार है उसको एक तरह की लेजिटिमेसी मिलेगी जब वो फ्रांस की सरकार अल्जीरिया पे तेल लूटने के लिए हमला करेगी। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आखिर उनकी समस्या है। अरब देश और यूरोप है वो आपस में लड़ने ही वाले हैं, उसमें उनको अरब जो यूरोप के इलीट है उसे अरब कंट्री में जितना तेल है, लीबिया, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, इजिप्ट वगैरह, वो तेल सारा उन्हें लूटना है। हमें क्या करना चाहिए कि ये युद्ध बढ़ता बढ़ता भारत तक आ सकता है, और यदि उस समय हमारे पास अपने हथियार नहीं हुए, मेड इन इंडिया वेपन्स, मेड बाय इंडिया, मेड बाय इंडियंस, मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस दोनों ज़रूरी है। मान लो अमेरिका की कंपनी भारत में फैक्ट्री डाल के हथियार बनाती है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हथियार जब युद्ध शुरू होगा तब काम करना बंद कर देंगे। तो हमें बड़े संख्या में मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस हथियार बनाने की शुरुआत करनी चाहिए, और वो आसान काम है पर लंबा काम है। मतलब शुरुआत हमें करनी पड़ेगी ज्यूरी प्रथा की स्थापना से, क्योंकि ज्यूरी प्रथा की स्थापना होगी उसके बाद ही बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग भारत में शुरू होगा, और इंजीनियरिंग बड़े पैमाने पे शुरू होगा तभी हम हथियार बना पाएंगे। तो मैं संक्षेप में कहूँगा कि यूरोप की जो अग्रवर्ग है इलीट, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क वगैरह, उसने इसलिए बड़े पैमाने पे अरब देशों के लोगों को आने दिया ताकि वो अरब ब्रिटेन में, फ्रांस में वगैरह देशों में आके बड़े पैमाने पे हिंसा करे, ताकि उनकी प्रजा को लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, इन सारे देशों पे हमला करके उनको गुलाम करने के लिए कन्विंस किया जा सके। वहाँ की सरकारों ने लेबर, चीप लेबर का रीज़न दिया, वो बकवास है, वो चाहते तो लेबर इंडिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से, फिलीपींस से, लाओस, कंबोडिया, बहुत सारे देश है जहाँ की, जहाँ का लेबर है वो जरा भी क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल बिहेवियर नहीं दिखाता, ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के बड़े लाखों की संख्या में लेबर कैसे देशों से लिया, पाकिस्तान, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्त, ये सारे देशों से लिया जिनकी पिछले 1500 साल से यूरोप से एक तरह की दुश्मनी है। और हमें क्या करना चाहिए इसमें, कुछ नहीं कर सकते, करना ज़रूरी भी नहीं है, हमें अपने प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए। कौन सा प्रॉब्लम, कि हमारे यहाँ हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ नहीं है, फैक्ट्रियाँ डाली जाए, उसके लिए इंजीनियरिंग बढ़ाया जाए, कैसे, वो सब मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद।